कल तक आपकी रखेल और आज से आपके लिए आईना। अब बाप के बाद उसका बेटा हमारे सर पे सवार होने की कोशिश कर रहा है। ये कौन था? फिरौन के घर में मूसा पैदा करने वाले खुदा ने ये भी एक जालिम के घर में फरिश्ता पैदा कर रखा है। सरकार खुश वक्त। मैं नताशा कल तक आपकी रखेल और आज से आपके लिए आईना। तुमने मुझे जो जख्म दिया है मैंने उनका हिसाब लेना है तुमसे। किसने भेजा? कौन है नताशा? मामा सही, ये बड़ी मुसीबत है। मैं ये खत बाबा साईं को दे दूंगा। नहीं, ये खत मैं खुद दूंगी उसे। मैं खुद दूंगी। ये आपका लेटर आया। उसकी इतनी हिम्मत। मैं चाहती हूं कि आपकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखें। मर्द की नजर पे किस हद तक एतबार करना चाहिए यह सवाल आप कभी अपनी मिसेस से पूछिएगा। आप कल से मेरी दोस्त को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर आपको उसका यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा। सरकार मैंने खोज लगा लिया है कि नताशा को बचाने वाला कौन था। कौन था? सुल्तान। सुल्तान जी सरकार, कच्चे खूह वाला हमारा जो रकबा है कभी उसके बाप का था। अच्छा, अब बाप के बाद उसका बेटा हमारे सर पे सवार होने की कोशिश कर रहा है। सरकार आप हुक्म तो करें, उस सरकश का सर काट के आपके कदमों में रख दूंगा। मैं उसका सर नहीं, उसे जिंदा अपने कदमों में देखना चाहता हूं, और आज ही। जो हुक्म सरकार। अरे क्या हुआ इस बच्चे को? डॉक्टर पे सर फट गया इसका। चले मेरी गाड़ी मिले। घर, बच्चे का घर। बाबा तेरे बेटा। हाय अल्लाह, तुझे क्या हो गया? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? ठीक। अल्लाह अल्लाह, चल दो बहन में पट्टी कराए। ये रख रख रख। हाँ अल्लाह, चल अल्लाह ले जा। तू ठीक है ना? थैंक यू।
ये कौन था? फिरौन के घर में मूसा पैदा करने वाले खुदा ने ये भी एक जालिम के घर में फरिश्ता पैदा कर रखा है। इस जगीर के मालिक का खलौता बेटा है चंदू। अल्लाह 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 मेरे बाबा अल्लाह अल्लाह बाबा माफ कर दे बाबा को मेरे मेरे बाबा को अल्लाह मेरे बाबा को माफ कर दे मेरे बाबा को अच्छा नहीं है बाबा अच्छा नहीं गंदा गंदा बाबा मेरा अल्लाह अल्लाह मेरे बाबा को माफ कर दे मेरे बाबा को माफ कर दे अल्लाह। फिरौन के घर में मूसा पैदा करने वाले खुदा ने ये भी एक जालिम के घर में फरिश्ता पैदा कर रखा है। ये हिल रख 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 अल्लाह। थैंक यू थैंक यू। अल्लाह ने बंदे को दुनिया में सिर्फ गुजर बसर करने दूसरों के दुख दर्द बांटने और दूसरों के काम आने के लिए भेजा है अयाशियां करने के लिए नहीं। मैं पीर बाबा की दरगाह पर गई थी और वहां मैंने एक ऐसे इंसान को देखा जो मुझे पूरे अमेरिका में नजर नहीं आया। मैंने तो सुने वो बहुत बड़ा मुल्क है। उस बहुत बड़े मुल्क का मुआशरा बहुत ही बेदरुस्त भी है। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है जनाब? वालेकुम सलाम, क्या रिपोर्ट है एसएचओ? रिपोर्ट तो सारी की सारी मशकूक कर दी आपने। क्या मतलब? सर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सुल्तान ने पहली गोली आपके बंदे को मारी है उसके साथ वो नहीं मरा, जो उसके बाद गोलियां मारी हैं उसके साथ वो एक्सपायर हो गया। तो फिर? फिर क्या सरकार, अब कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। वैसे भी आजकल अदालतें मीन मेख बहुत निकालती, बहुत सारे एसएचओ गलत एफआईआर काटने की वजह से मुअत्तल हो चुके हैं। फिक्र ना करो, हम तुम्हें मुअत्तल नहीं होने देंगे। तुमने अभी कौन सी एफआईआर काटी? कुछ भी कर सकते हो। कर तो सकता हूं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा क्योंकि कोरोना की वजह से हालात बड़े खराब हैं। और आपकी भाभी यानी कि मेरी वाइफ, उसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। बार बार फरमाइशें कर रही है कि ईद बड़ी आ गई है तो बकरा लेके दो बकरा लेके दो। आपको तो पता ही है आजकल दरमियाने से दरमियाना बकरा भी 70-80 हज़ार से कम नहीं आता और उसमें गोश्त इतना सा होता है कि 2-3 दिन में तो मैं अकेला ही खा जाऊं। अब आप ये देखें कि अगर एक बकरे के साथ मेरा पेट नहीं भरता तो रिश्तेदारों को क्या बंदा दे। कम से कम 3 बकरे हो तो गुजारा हो सकता है, यानी कि एक बकरा हमारे लिए, एक बकरा रिश्तेदारों के लिए और एक बकरा कम से कम फ्रीज करने के लिए तो होना चाहिए ना, तब कहीं जाके गुजारा होता है। कम से कम 2-2.5 लाख का खर्चा है। मैं तो इस वजह से बड़ा परेशान।